नमस्कार दोस्तों, आज हम मीन लग्न के बारे में विस्तार से बताएंगे। मीन लग्न अंतिम लग्न होकर गुरु प्रधान होने के साथ साथ जल तत्व प्रधान लग्न है। मीन लग्न में उत्पन्न जातक की कुंडली में सातवां भाव में शनि या शुक्र की दृष्टि अगर पड़ जाती है तो पत्नी से तलाक लेने की संभावना बन जाती है। मीन लग्न वाली कन्या के सप्तमेश बुध और राशि कन्या होती है। वर सुंदर मृदुभाषी होने के साथ साथ कम बोलने वाला हसमुख स्वभाव वाला होता है। आकाश में 330 डिग्री से 360 डिग्री तक के योग को मीन राशि के नाम से जाना जाता है। कुंडली का प्रथम भाव लग्न होता है जो व्यक्ति के व्यवहार को तय करता है। मीन लग्न में मंगल की उच्च स्थिति भारती बनाता है। इस लग्न में दो केंद्रों का स्वामी गुरु होगा या फिर दशमेश भी है। गुरु की महादशा 16 वर्षों की होती है। वह इस पर इनका रत्न सुनहरी पुखराज है। गुरु के साथ चंद्र लग्न में हो तो जातक नीति कुशल विद्वान सुंदर गौरवर्ण नम्र स्वभाव वाला और नृत्य के क्षेत्र में हो तो अच्छी सफलता पाने वाला होता है। ऐसे जातक ज्योतिषी गणित विषय में प्रवीण होते हैं। लक्ष्मी नारायण योग होने से धन की कमी इनको लाइफ में कभी नहीं होती है। वाणी में मिठास और बात में गंभीरता होने की वजह से मीन लग्न वालों की बातें सभी ध्यान से सुनते हैं। आप में सहन शक्ति होती है और आपके अंदर ज्ञान का भंडार होता है। मीन लग्न वाले अक्सर मोटे और मध्यम कद के होते हैं। मधुमेह का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसलिए शुरू से ही ध्यान दें। इस लग्न के जातक अगर शनि राहु और शुक्र बुध केतु का उपाय नियमित रूप से करें तो इन्हें काफ़ी लाभ होगा। आपके लिए मूंगा लाभप्रद रत्न है। पुखराज धारण करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। मीन लग्न वाले हीरा व पन्ना कभी ना पहने वरना आप बुरे फंस सकते हैं। शुभ रंग है आपके लिए पीला नारंगी गुलाबी। भाग्यांक 3-9-2 दिन है गुरुवार मंगलवार।